आवाज खुलासा, क्या इस बार जुगाड़ से बनेगा कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कुलपति? सिलेक्शन कमेटी पर उठे सवाल, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े की सिल्वर जुबली, 25 साल से बंद था अवैध नियुक्ति का जिन्न, आवाज इंडिया ने घिस दिया आरटीआई का चिराग, जिन्न बोला हुक्म मेरे आका क्या बनना है, प्रोफेसर बोले जिन्न भैया अब तो कुलपति बनना है। जी हाँ, जहाँ एक और उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के वीसी सुनील जोशी को अयोग्य करार देते हुए वीसी के पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट ने धामी सरकार को निर्देश दिए थे, वहीं कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहाँ वीसी की चयन प्रक्रिया में धांधली होने की आशंका है। वीसी के चयन के लिए बनाई गई सिलेक्शन कमेटी की कार्यप्रणाली भी शक के दायरे में है। कुछ माह पहले 20 अप्रैल 2023 को सिलेक्शन कमेटी ने कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति पद हेतु आवेदन करने के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 के तहत बताया गया कि कुलपति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए या रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा। इस नियम के अनुसार सिलेक्शन कमेटी कुलपति पद के लिए अधिकतम आयु 62 वर्ष के आवेदन को स्वीकार करती है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति के लिए लगभग 114 आवेदन सिलेक्शन कमेटी के पास आए थे, जिनमें से कुल 5 नामों को जो कि 60 वर्ष से कम आयु के हैं चयनित कर राज्यपाल को भेज दिया गया है, जिनमें से प्रोफेसर डीएस रावत उम्र 53 वर्ष, प्रोफेसर अलकनंदा अशोक उम्र 58 वर्ष, प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह उम्र 57 वर्ष, प्रोफेसर काला चंद्र सही उम्र 58 वर्ष और प्रोफेसर प्रवीण सिंह बिष्ट उम्र 56 वर्ष प्रमुख हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 60 वर्ष से अधिक के आवेदकों को सूची से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और कुछ चुनिंदा प्रोफेसरों को सूची में डाल दिया गया है। सूची में विवादास्पद नाम डॉक्टर पीएस बिष्ट का है, जिनकी नियुक्ति ही शक के दायरे में है, क्योंकि डॉक्टर पीएस बिष्ट जिनका रेगुलराइजेशन 1998 में किया गया था, यूनिवर्सिटी द्वारा आरटीआई में दिए गए दस्तावेजों के अनुसार डॉक्टर पीएस बिष्ट जिनकी नियुक्ति आंशकालिक प्रवक्ता के तौर पर 23 अक्टूबर 1993 के हुई थी, बावजूद इसके नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इन्हें रेगुलराइज कर दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर पीएस बिष्ट जिनका रेगुलराइजेशन नियम विरुद्ध हो जाता है और 25 वर्षों तक यह मामला दबा दिया जाता है, और खास बात कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति से लेकर कुल सचिव तक ये बात जानते हैं, फिर भी 25 वर्षों तक डॉक्टर पीएस बिष्ट पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती और आज डॉक्टर पीएस बिष्ट को चयन समिति कुलपति के लिए योग्य पाती है और सूची में भी नाम शामिल कर राज्यपाल को चयन के लिए भेज देती है। साथ ही 60 वर्ष से अधिक के आवेदकों को बाहर का रास्ता दिखाना भी सिलेक्शन कमेटी की चयन प्रक्रिया पर संदेह पैदा करता है कि अन्य आवेदक जिनका नाम सूची में शामिल किया गया है वो सभी 60 वर्ष से कम के हैं, बाकी 60 वर्ष से ऊपर सभी को बाहर कर दिया गया, जबकि दिए गए विज्ञापन में उम्र 65 दिखाई गई है। अब देखना ये खास होगा कि चयन समिति क्या निष्पक्ष होकर सूची में काबिल प्रोफेसरों के नाम डालती है या फिर 60 वर्ष से कम इन्हीं 5 प्रोफेसरों में से कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कुलपति चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया 24।